कौन सा लिपस्टिक यूज करती हो? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या बकवास कर रहे हैं आप इतने देर से? हेलो मैम. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मुझे यहाँ से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए. ओके, बैठिए. हाँ हेलो. अच्छा ठीक है, उसको बोल दो बैठने के लिए. हेलो दोस्तों, मैं उदयन खान और ये मेरे भैया हैं आदित्य भैया. असल इनका ये ऑफिस है और आज हम लोगों ने एक जबरदस्त शूट किया है, मतलब शूट हो चुका है कंप्लीट. वीडियो आप देखिएगा पूरा. और भैया कुछ बोलना चाहते हैं अपने इस ऑफिस के बारे में? एक्चुअली हम लोगों की जो सर्विसेज है, हम लोगों का जो ऐप है वो लुक माई कार के नाम से है और हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कार क्लीनिंग से रिलेटेड है. ये फर्स्ट टाइम बिहार में अभी स्टार्ट हुई है और बिहार के अलावा जो हम लोग सर्विसेज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रांची और इंदौर में, और इसके अलावा जो मेजर सिटीज और भी हैं वहाँ भी मैं आने वाले टाइम में हम लोगों की सर्विसेज स्टार्ट होगी. सबसे पहले ये जानिए, ये सर्विसेज में एक्चुअली क्या होता है, ये डोर स्टेप सर्विस है कार क्लीनिंग और डिटेलिंग की, यानी कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर जो पार्ट्स हैं कार के उसको यहाँ पर वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है और क्लीन करने के बाद इसका पॉलिश का काम होता है. और आप जिस भी लोकेशन पर मेरे टेक्निकल असिस्टेंट्स को आप बुलाइएगा वो उस लोकेशन पर जाएंगे और जाकर आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. इनका नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा अभी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, मतलब कि इनका जो वेबसाइट का लिंक है और इनका नंबर. तो प्लीज अगर आप पटना बिहार में रहते हैं तो इनसे जरूर कॉन्टेक्ट करें कार का अच्छा सर्विस के लिए. थैंक यू. तो वीडियो पूरा देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में. कहाँ से बनवाई हुई है? रिज्यूम मेरे के पास वो साइज कहते हैं वहीं से. अच्छा, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सही है या फिर? सही है सर. सही है. तो घबराई हुई कहाँ लग रही, मतलब कि बहुत नर्वस लग रही हो? एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है. अच्छा अच्छा, पहला इंटरव्यू तो इतना. अरे पागल, घबराने की कोई बात है नहीं. ये क्या है ना कि हम लोग का एक ऑफिस है और ऑफिस में क्या है कि अगर तुम घबरा कर काम करोगी तो फिर वो ढंग का कुछ हो नहीं पाएगा. बात समझ रही हो जो हम बोल रहे हैं? ओके सॉरी सर. रुको. एक काम करो बाबू, तुम एक गिलास पानी लेकर आ जाओ. पानी पियो यार, पहले पानी पियो आराम से. यार घबराओ मत. एक काम करो यार, यहाँ आ जाओ, चेयर लेकर यहाँ आ जाओ बैठने के लिए. आराम से आ यार, कूल होकर बोल रहे हैं यार. एज अ फ्रेंड रहा करो, एज अ फ्रेंड. देखो आराम से हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं फिर. चलो चाय पी दे रहा हूँ आराम से. हाँ, और पास आ जाओ यार, इतना दूर बैठी हो, लग रहा है कि हम काट रहे हैं तुमको. थैंक यू सर. थैंक यू नहीं यार, पास आ जाओ थोड़ा सा. अब बताओ ये जॉब क्यों चाहिए तुमको? सर सडनली कुछ मंथ्स पहले मेरे डैड की एक्सीडेंट हो गई थी, तो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा, कितना सैलरी एक्सपेक्ट करती हो, मतलब कितना चाहिए तुमको अभी, कितना मिल सकता है? 15 सर. क्या? 15,000. 15? मैंने तुमको 20 दूंगा यार, खुश हो? कोई प्रॉब्लम नहीं सर. यार तुम इतना घबरा क्यों रही होगी ये बताओ. नहीं सर. क्या? ठीक है सर. केबिन बंद है ना यार, ठीक से.
आराम से हो, देखो इधर आओ, इधर बैठो, आराम से कूल होकर रिलैक्स होकर बैठो, देखो आराम से हम सर, क्या सर, कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं सर। और क्या क्या इंटरेस्ट है तुमको? मूवी वगैरह जाती हो? नहीं सर, बस जॉब करना है प्रोफेशनल। और फेवरेट सॉन्ग? सभी अच्छे लगते हैं सर। सभी अच्छे लगते हैं, कौन सा एक दो गाकर बताओ। अगर तुम अभी गाकर बताओगे तो तुमको 20 की जगह 25 कर देंगे यार सैलरी। चलो जल्दी। सॉरी सर। क्या हुआ यार, इतना में प्रॉब्लम नहीं होता है, बात समझी ना, बस गाना गाने के लिए बोल रहे थे। इधर आओ। इट्स एनफ सर। क्या हुआ? आपको जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना है, आप पूछिए ना। दे यार बैठो बैठो बैठो, एक तो जॉब दे रहे हैं तुमको, एक तो ऊपर से सैलरी तुम्हारा बढ़ाते जा रहे हैं 20 से 25। ये क्या मिलेगा तुमको, ये कागज पे क्या मिलेगा तुमको, कौन सा जॉब मिलेगा ये? देखो तुमको जॉब यहाँ पे मिलेगा नहीं, अभी नहीं मिल सकता है, एक कंडीशन है। क्यों सर? आ गया क्या हुआ यार? देखो हम एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, तुम्हारा गुस्सा करना एकदम जायज है, एज अ फ्रेंड हम पूछ रहे हैं। अगर यहाँ तुम जॉब करोगी तो इस ऑफिस की तुम मालकिनी बन सकती हो, बात समझी ना। ऊपर से तुमको डेली कार से आना, कार से जाना, सैलरी डबल, समझे? अरे समझ रही हो ना जो हम बोलना चाह रहे हैं? इट्स ओके सर, मैं कभी और आती हूँ। बैठना एक मिनट, यहाँ पे आ गया बोल रही कभी और आते हैं यार। जॉब से रिलेटेड कुछ है क्या चाहिए? जॉब से रिलेटेड तुमको जॉब चाहिए ना तुमको? जी सर। आगे अरे थोड़ा सा आगे आ जाओ यार, इतनी खूबसूरत लड़की हो, इतना बन ठन के आई हो यार जॉब के लिए। कौन सा लिपस्टिक यूज करती हो? सॉरी सर, लिपस्टिक कौन सा यूज करती हो? जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना है सर आपको? जॉब से रिलेटेड तुम्हारे पास है ही क्या इस कागज के सिवा? ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं कभी और जब मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है मैं कांटेक्ट। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा यहाँ से, तुम एक काम करो जी, तुमको जॉब चाहिए मैं तुमको जॉब दूंगा, ठीक है? पीएफ वगैरह सब चीज हटाकर मैं तुमको 20 डन करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट मंथ तुम्हारा ये 25, उसके नेक्स्ट 30 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? कोई, ठीक है? उसके बदले ना बस तुमको थोड़ा सा अपना टाइम देना होगा, समझ रही हो ना क्या बोल रहे हैं? ओके सर, वर्किंग आवर जो भी होता है मैं कोशिश करूँ टाइम पे। वर्किंग आवर नहीं चाहिए तुम्हारा, वर्किंग आवर में तुम हाफ भी दो तो चलेगा, मुझे बस तुम्हारा एक रात चाहिए। What nonsense is this? क्या बकवास कर रहे हैं आप इतने देर से? कुछ भी बोले जा रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। 2 टके का जॉब नहीं है, बकवास किए जा रहे हैं। बकवास कर रहे हैं। आप रखिए अपनी जॉब, मुझे नहीं करनी। Just shut up। क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है तो कैरेक्टर भेज दूं क्या? क्या कैरेक्टर भेज दूं? क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे थोड़ा कैजुअल रहो, साइलेंट। क्या कैजुअल रहो, कब से कह रहे बगल में आके बैठो, तो कभी वन नाइट स्टैंड करो, अपनी बहन को बोल ना बे। बहन साले 2 टके की जॉब नहीं है, बकवास किया जा रहा है। यार तुम इतना चुप, तुमको क्या लगता है और लड़की की तरह हूँ मैं? वैसे भी बिक जाऊं छोड़ूंगी तुझे मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगी, और लड़कियों की तरह समझ के रखा है क्या मुझे?
गेट क्यों बंद कर रहा है? बता रहे हैं ना क्यों बंद कर रहे हैं। आराम से बैठो, बैठो आराम से। ये मेरे सर है, ये इन्हीं का ऑफिस है, मेरा ऑफिस नहीं है, बात समझो। एक्चुअली सर ने हमको परमिशन दिया था सर के चेयर पर बैठने के लिए और शूट करने के लिए। हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, जो जो जितना सीसीटीवी लगा हुआ है सब फुटेज सर हमको दे सकते हैं, मतलब देंगे। तो सर क्या इनको जॉब मिलेगा या नहीं, क्या है मतलब? एक्चुअली ओवरऑल जो मुझे देखना था रश्मि, ठीक है ना, वो मैंने देख लिया। एक्चुअली आज के टाइम में मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ देखना था कि आप भी बाकी जो गर्ल्स हैं उनकी तरफ ट्रीट कर रही हो या नहीं कर रही हो, मुझे सिर्फ यही चीज़ देखना था। इस कारण से मैंने अपने जो कलीग्स हैं उनसे मैंने हेल्प लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं ओपन होकर आपसे नहीं कर सकता था फेस टू फेस इंटरेक्ट। इसलिए मैंने अपने कलीग्स को बोला था, दानिश को, कि आप इस तरीके से, सॉरी ये सब मिसबिहेव के लिए, जो भी हम लोग अभी मिसबिहेव किए हैं वो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मैं सोशल मैसेज टाइप एक वीडियो बना रहा था आपसे। बेसिकली हमको ये दिखाना था कि लोगों को, जो लड़कियाँ जो ऑफिस में जो फेस करती है जो सिचुएशन को, ये सिचुएशन क्या आप हैंडल कर पाती हो या नहीं कर पाती हो, हमको ये दिखाना था। जो आम और बाखूबी आप बहुत अच्छा आप बोली हो, यही हर लड़की को करना चाहिए। जो हम अभी शूट किए हैं तो आपका अगर इजाज़त हो, क्योंकि बिना इनकी मर्जी से हम ये कर नहीं, वो तो अगर आपकी परमिशन हो तो ये वीडियो मैं डाल सकता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि एक्चुअली मैं आपकी हेल्प से बाकी जो गर्ल्स हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है ना, और बाकी जो प्राइवेट ऑफिसेस भी हैं, ठीक है, वहाँ भी मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ऑफिस में भी या बाकी जो सीनियर्स हैं अगर वो कुछ निगेटिव सोच रहे हैं तो गर्ल्स के बारे में निगेटिव ना सोचें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको पता चले, हाँ, ताकि उन बाकी जो गर्ल्स हैं जिनके साथ भी ये चीज़ हो रही है ऑफिस में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिससे कि आने वाले टाइम में या जो भी हो ये बंद हो। यार इससे थोड़ा सा सीख मिले ताकि लड़कियाँ सच में जो कदम उठाई है, जो आई थी इंटरव्यू देने के लिए, बंदी सच में यार दिखाई है डेयरिंग। ऐसा हमको फील हो रहा था कि हमको मार देगी वो, मगर शुक्र है मारी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ शेयर करें, और भैया का वेबसाइट है, ऐप है, जो आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाए विजिट करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। एंड थैंक यू सो मच भैया ये पूरा हेल्प करने के लिए, थैंक यू।